तो गाइस टाइम हो रहा है 4 बजे और लगभग 40 मिनट की राइड के बाद फाइनली पहुंच चुका हूं बस स्टेशन जहां से मैं कल गया था। तो मस्त रहा यार, ये भी मिल गया टुक टुक, थोड़ा मुश्किल से मिला बट मिल गया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वाली साइड ना ही थोड़ी उल्टी साइड जाए ना, मतलब दूसरी बीच वाली साइड जाए, वहाँ पर बस स्टॉप ने जहाँ पर आपको उतारा था उसी बस स्टॉप पर खड़े हो जाए तो ज़्यादा चांसेज आपको ईजिली टुक टुक मिल जाएगा। मुझे भी 10-15 मिनट की मेहनत के बाद टुक टुक को मिल ही गया था, मतलब लगभग 3:10 पे मिला था और अभी 4 बज रहे हैं तो 50 मिनट की राइड रही, बहुत सही रही। मौसम भी आज बहुत मस्त था तो पहुंच गया सिर्फ 60 बात में यहाँ पे पहुंच गया। अभी 4 बज रहे हैं, मेरी बस 5 बजे, तो अभी फिलहाल आपको 4 बजे वाली बस दिखा देता हूँ कि 4 बजे वाली बस है जो मतलब कैसी दिखती है। अभी यहाँ से वो रवाना होने वाली होगी, फिर 4:30 बजे के आसपास शायद मेरी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देखो जिनको टिकट वगैरह लेनी है वो यहाँ से टिकट ले सकते हैं, मैंने तो कल ही ले ली थी। जैसे ही आप करावी बस टर्मिनल के अंदर आएंगे तो वो अंदर कर जाते ही ना सामने लिखा हुआ है गवर्नमेंट बसेस करावी से बैंकॉक के लिए। तो जो 5 वाली बस है उसका किराया है 675 और जो 4 वाली बस है उसका 700 रुपये। और अगर आपको यहाँ से लेनी है जो मतलब कई बार है जो गवर्नमेंट बसेस फुल हो जाती हैं और आपको अगर टिकट लेनी है यहाँ से दूसरी प्राइवेट बसेस की तो यहाँ से मिल जाएगी, उसका आपके लिए रहता है 1000 भात, मतलब 1050 टाइम रहता है 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे और 4:20 पे। तो यहाँ से आप टिकट कटा के जा सकते हो। मैंने तो कल ही टिकट है जो ले ली थी, पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया भी था, तो वहाँ से टिकट लेके अभी मेरे पास तो टिकट है। अगर आपको फुकेट वगैरह जाना है तो फुकेट के लिए यहाँ से मिल रही है, ठीक है। बस जा फर्स्ट ट्रिप लास्ट ट्रिप यहाँ पे लिखा हुआ है, फुकेट के लिए वैन वगैरह और जिस भी जगह पे आपको जाना है यहाँ से जाने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको करावी से सूरत थानी जाना है सूरत थानी की भी मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर बसेज वगैरह है जो खड़ी हुई है बैंकॉक वाली, देख सकते हो। और ये जो ये वाली है जो प्राइवेट बस VIP, ठीक है, ये जो सामने आपको बस दिख रही है ये VIP बस है जो मैंने बुक नहीं कराई। इसका किराया है 1000 रुपये, मतलब 1050 था, तो मैंने ये वाली बुक नहीं कराई बट देखने में लग्जरी लग रही है, मतलब मस्त होगी ये वाली, इसमें आप कंफर्टेबली पहुंच जाते। और ये वाली गवर्नमेंट वाली बस कौन सी है वो भी पूछता हूँ, तो देखते हैं क्या डिफरेंस रहने वाला है, शायद झटकों का डिफरेंस रहेगा। ये डबल डेकर बस है जो आपकी, तो एक बार अभी इन्फॉर्मेशन काउंटर पर जाके पूछना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट बस है और कौन सी नहीं है। और लगभग 4:30 बजे अपना सामान वगैरह रखूँगा, अभी तो 4 ही बजे, तो आधा घंटा यहीं पे रेस्ट करता हूँ, फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लेता हूँ। तो भाई देख सकते हो ये अपनी गवर्नमेंट बस भी आ चुकी है, तो ये भी कुछ कम नहीं है, शायद इसी बस में जो हम जाने वाले हैं, बट थोड़ी वैसे तो बस बड़ी ही है, तो यही है जो मेरी आज की बस रहने वाली है। तो भाई टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे बिल्कुल, और बस है स्टैंड पर लग चुकी है, अभी थोड़ी देर में अपना सामान वगैरह लोडिंग कर देंगे और 5 बजे बस यहाँ से निकल जाएगी। तो भाई अभी सामान वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया है, मैं भी अपना सामान है जो जमा करा देता हूँ। टिकट दिखा दिखा के आपको आपकी सीट पे बिठा देंगे, स्टाफ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, सही है। और अभी जर्नी देखते हैं, गोली भी मैंने खा ली है मोशन सिकनेस की, गलती कर दी कि 2 बजे जो आलू का पराठा खाया था वो अब तक हजम नहीं हुआ, तो उल्टी आने के भी पूरे चांसेज है, तो कैरी बैग वगैरह भी लेके चले अपने साथ। और ये अपने आज के ड्राइवर है जो ले जाने वाले हैं हमको बैंकॉक तक। और एक स्पेशल बात देखो, बस के अंदर ना यहाँ टॉयलेट भी बना है, तो टॉयलेट की भी कोई टेंशन नहीं है, तो पूरा एकदम फ्लाइट जैसा एक्सपीरियंस है जो यहाँ रहता है। तो एक थोड़ी सी गलती हो गई है, मतलब ऊपर की सीट ली है, मैंने उससे पूछा भी था कि बस अगर डबल डेकर है या नहीं, बट उसने बताया नहीं था, तो अब देखते हैं कि ऊपर बैठ के पूरी गोल गोल झटके जो लगेंगे क्या हालत होगी वो आपको पता लग ही जाएगा। तो भाई देखो ऐसी कुछ बस है जो यहाँ पर रहने वाली है, ये भी सही है अंदर से तो फुल एयर कंडीशन, सीट मैंने बुक की थी और यही मिल गई है, ऊपर से शीशे वगैरह भी है तो सही है, देखते हैं झटके वगैरह कैसे लगने वाले हैं। बाकी बढ़िया, एक खाने पीने के लिए पॉप दे दिया, एक ट्री बॉटल है उसके अंदर, ठीक है, मतलब जूसी जूस टाइप का फ्रूट है ऐसे, तो सही है ये भी। और उसके साथ साथ आपको एक टॉवल वगैरह मिला, क्योंकि जो बस है काफ़ी ज़्यादा ठंडी है एकदम एयर कंडीशन, तो सफ़र है तो शायद बढ़िया जाने वाला है। अभी बस 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट में शायद बस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस देख सकते हो पूरे 5 बजे जो बस निकल चुकी है, स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे देखो नीचे स्टाफ भी। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे, ठीक है, एसी लगे हुए हैं, तो एसी को आप अपनी साइड कर सकते हो जैसे मर्जी, यहाँ लाइट्स लगी हुई हैं और चार्जिंग के लिए ऐसे पॉइंट्स लगे हुए हैं, मतलब प्लग नहीं लगा सकते बट आप डायरेक्टली केबल लगा के चार्ज भी कर सकते हो, तो चार्जिंग की फैसिलिटी भी सही है। और सामने बिल्कुल ही मेरे TV लगा हुआ है LG का, स्पीकर इसमें लगे हुए हैं, वैसे सामने यहाँ पे बोतल होल्डर्स है, दोनों बोतल मेरी है, ये इन्होंने दी है, ये मेरी पानी की बोतल है, ये कंबल है जो इन्होंने लेने के लिए दिया, और ये खाने के लिए स्टफ़ है। अब ये बैग है जो मुझे ऊपर रखना है, वो भी वो स्टाफ आएगी तो उससे बोलूँगा कि मेरा बैग ऊपर रखा दो। वो बस चलते ही शहर में देखो ऐसे ट्रैफिक वगैरह मिल रहा है, हाईवेज वगैरह देखते कैसे रहेंगे,
यहाँ की सड़कें तो वैसे ऑलमोस्ट सारी अच्छी हैं, बस चलते हुए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है शुरू में ही मिला। तो देख सकते हो सामने एयरपोर्ट के सामने बस पहुँच चुकी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था क्योंकि ये पुल बन रहा है और ये है बिल्कुल सामने आपका कराबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट है बिल्कुल खाली है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। अभी जो बस है धीरे धीरे ही चलती है, बिल्कुल आप कह सकते हो सिर्फ 10 से 20 की स्पीड पे, क्योंकि जो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था अभी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट ट्रैफिक, तो शायद अब भागेगी। और ये रहा बिल्कुल पैरेलल एयरपोर्ट हो गया। टाइम हो रहा है रात के 11 बजे और फाइनली लगभग 5-5.5 घंटे के बाद बस है जो अपने पहले स्टॉप के लिए डिनर के लिए रुकी है। तो यहीं पे सारी बसेज रुकी हुई हैं, जितनी भी बसेज जा रही हैं। तो आपको लगभग 11 बजे के आसपास है डिनर करने को मिल जाएगा अगर आप 5 बजे वाली बस में बैठ रहे हैं, और आप अगर 4 वाली बस में बैठ रहे हैं तो आपको 10 बजे के आसपास डिनर करने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा अंदर कैंटीन एरिया, आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखो ये सामने ऐसे बसेज खड़ी हैं यहाँ पे, ये VIP वाली है जो इग्निट टूर वाली है। ये बसेज काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हैं तो इसीलिए आपको थोड़े से पैसे महंगे देने पड़ते हैं, बट जो मेरी बस है वो भी कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बुरी नहीं है, सही है, बढ़िया मज़े आ रहे हैं। और ये वाली बस तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है, तो अगर आप बजट है तो आप ये वाली बसेस बुक करा के जा सकते हैं ताकि आप और लग्जरी से जा पाएँ। और अगर आप यहाँ पे ऐसे अंदर एंटर करेंगे तो आपको ये सब खाना है जो खाने को मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थाई फूड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वेज नॉन वेज का मुझे पता नहीं, तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लेज, कुरकुरे, चिप्स ये सब मिल रहा है, और उसके बाद चिकन मिल रहे हैं, सैलेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बेंच लगे हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जिस पे आप जाके देख सकते हो खाने के लिए। कैंटीन का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो बहुत सारी खाने की ऑप्शन आपको मिल रही है। ये भी देखो पूरा थाई फूड है लोकल, तो ये अपने बस का तो नहीं है खाना। वैसे यार इनका खाना बहुत रहता तो पौष्टिक है, क्योंकि इसमें मतलब देखो कढ़ी जैसे पूरा ऐसे सूप सूप और सैलेड्स भी काफ़ी रहते हैं, बट ये सब मैं तो नहीं खा सकता। यहाँ पे और भी कभी काउंटर हैं, तो जो लोग लोकल थाई हैं उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन आपके खाने के लिए मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ अच्छा डिनर वगैरह है, तो आपको तो वही सब खा के काम चलाना पड़ेगा कि आप कुरकुरे चिप्स वगैरह ले ले और अपना काम चला ले। भाई यहाँ कैंटीन में आके अभी बैठ चुका हूँ, तो मेरे खाने के लिए तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, लोकल थाई फूड ही दिख रहा है सारा। तो अगर आप भी इंडियन वगैरह हैं तो आपको भी यहाँ पे कुरकुरे चिप्स वगैरह खा के काम चलाना पड़ेगा, या आप जहाँ से बैठ रहे हैं 7-Eleven से अपने सैंडविचेस वगैरह लेके आए यहाँ पे गर्म वगैरह करा के खा ले तो वो सही है। और बस की बात करें तो बस का एक्सपीरियंस अच्छा है, जो लग्जरी वाली बस है वो तो लाजवाब होंगी, ठीक है, उसमें तो और ज़्यादा कम्फर्ट आएगा, बट मेरी वाली बस में भी कोई कमी नहीं है, आराम से जो सीटें अच्छी खासी रिक्लाइनिंग हो रही है, AC भी अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो मस्त जा रहा हूँ मैं। और पहली बार मेरा बस का सफ़र इतना अच्छा जा रहा है, ऊपर वाली सीट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आराम से बैठ के जा रहा हूँ। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बजट बसेज है चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट 1000 तक है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप VIP वाली बस ही ले लें, आपका सफ़र ऐसा जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप मेरी तरह गवर्नमेंट बस लेके जा सकते हैं, वो भी लाजवाब है।
पहुंच चुके हैं बैंकॉक बस टर्मिनल पे। तो यहाँ का अब दूसरा स्टेशन है जो मोचित स्टेशन, वो आ चुका है और यहीं पे जो मुझे भी उतरना है यहाँ से नेक्स्ट बस मिलेंगे पटाया की। देख सकते हो ठीक है, टाइम लगभग आपके 6:30 हो रहे होंगे और पहुँच चुके हैं यहाँ पे मोचित स्टेशन पे। देखो पूरे 6:30 ही हो रहे हैं और मोचित स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। कल शाम को 5 बजे बैठे थे और 6:30 मोचित स्टेशन पे पहुँचे, तो लगभग आप कह सकते हैं कि हमको 12 घंटे का टाइम है जो लगा है। तो गाइस टाइम हो गया सुबह के 6:30 और फाइनली मोचित स्टेशन बैंकॉक पे पहुँच चुके हैं। तो कल शाम को 5 बजे बैठे थे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, तो लगभग 13.5 घंटे का समय है जो हमको लगा कराबी से बैंकॉक स्टेशन पहुंचने पे। अब यहाँ से मुझे आगे जाना है कराबी, तो ढूंढता हूँ कि कहाँ से टिकट वगैरह कराबी की मिल जाएगी, बस वगैरह, और देखते हैं आगे कितने टाइम का। लगभग 2 घंटे की जर्नी यहाँ से पटाया की और दिख रही है, मतलब 200 किलोमीटर दूर है तो 2 घंटे ही दिखा रहा है। अभी मुझे देखनी पड़ेगी बस और उसका टाइम कहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या जो शटल बस सर्विस है वो 4 से 7 बजे तक चलती है, उसके बाद अगर आपको बस स्टॉप या टैक्सी करनी है तो नीचे बोल्ट ग्रैब सभी ऐप्स के नाम भी लिखे हुए हैं हेल्प के लिए। और यहाँ से अभी सब लोग बाहर निकल रहे हैं। वैसे बस दोबारा कहाँ से लेनी है वो नहीं पता, मुझे एग्जिट तो नहीं करना, मुझे तो दोबारा बस लेनी है, तो वो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा। और ऐसा कुछ स्टेशन है मोचित का जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये देखो यहाँ बैठने के लिए वेटिंग एरिया भी है और इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं है, बस एक उससे जहाँ से कुछ पता लग सके हमने। ठीक है अभी यहाँ मेन एंट्री थी, यहीं से बाहर निकला, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि ट्रांसलेशन का यूज़ करके बताया जाना टिकट कहाँ से मिलेगी, तो उसने बोला टिकट लेनी है। तो यहाँ इमीडिएटली मुझे दिख गया कि 10 नंबर काउंटर पे लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए, लगभग 140 बात की जो टिकट है वो मिलने वाली है, टाइम अभी पता नहीं। और साथ में ही निकलते 7-Eleven भी, अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो तो 7-Eleven से आपको ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिल जाएगा। बिल्कुल सामने यहाँ पे वेटिंग एरिया है और जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर जाने के लिए भी है और यहाँ पे एग्जिट्स है, बाहर जाके आपको बसेस वगैरह टैक्सी वगैरह सब मिल जाएगी। तो मुझे तो जाना है पटाया, तो अब मैं दोबारा यहाँ से पटाया की टिकट है जो बाय कर रहा हूँ। तो ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 29 पे आपको जाना है पटाया के लिए और 140 बात की टिकट है पटाया। 8 बजे बजट बस है जो मिलेगी अभी, ठीक है, उससे पहले कोई बस नहीं है, तो 8 बजे तक अभी वेट करना पड़ेगा। टाइम अभी लगभग 6:30 हो रहे हैं तो 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा शायद। गाइस टिकट ले लिए, 8 बजे की बस है, 140 बात है जो लगने वाले, तो काफ़ी सही डील में मैं यहाँ पहुँच गया। कराबी से बैंकॉक आया मैं 675 बात में और उसके बाद दोबारा अभी मेरे लगे 120 बात, तो लगभग 800-900 बात में तो मैं कराबी से पहुँच जाऊँगा कहाँ पे, पटाया में। फ़्लाइट से जाता तो मेरे 3-4 हज़ार बात का खर्चा है जो हो जाता, तो काफ़ी सही डील मिल गई। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ का जो है दिखा देता हूँ सारा प्लेटफॉर्म वगैरह, और उसके बाद अभी जाऊँगा 7-Eleven क्योंकि बस है अभी 8 बजे के टाइम, तो अभी लगभग 6:30 हुए, तो 1.5 घंटे का समय मेरे पास बाकी है। मैं शेयर लाउंज से दोबारा से अभी टर्मिनल की तरफ आ चुका हूँ, तो मुझे अभी जाना है 29 टर्मिनल पे, तो वहीं से दोबारा टिकट लेके अब दोबारा टर्मिनल की तरफ चलने लगा हूँ और वहाँ जाके वेट करूँगा। टाइम लगभग 7:20 तो हो ही चुके हैं, 40 मिनट बचे, तो बस वगैरह शायद 7:30 बजे तक लग जाएगी और बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है 22, 23, 24, तो मुझे जाना है 29 तक। वैसे लास्ट जो मुझे दिख रहा है वो 28 ही दिख रहा है। तो ये आ चुका है बस टर्मिनल 29 जो हमको पटाया तक ले जाएगा। देखो ऐसी बस है कुछ रहने वाली है, तो फिलहाल ये मेरी बस नहीं है, आपका बस नंबर वगैरह सब यहाँ पे लिखा होगा। मेरी बस का नंबर है 4862, ये 4859 है, बट आपकी ऐसी ही बस रहने वाली है। ये भी बैंकॉक पटाया की बस है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में लगेगी 29 नंबर प्लेटफॉर्म पे। वैसे ये देखो मेरी जो पटाया की बस है लगी हुई है, इस पर सीट नंबर भी फिक्स है और आपकी बस भी फिक्स है, तो अभी मैं भी चढ़ के बस में बैठ जाता हूँ बैग वगैरह रख के। ऐसी कुछ बस है जो आपकी रहने वाली है, तो ऐसी चीज़ है, विंडो सीट मिल गई है और बैठ भी चुका हूँ, लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जरा 5 से 7 मिनट बचे हैं बस को चलने में, देखते कैसे चले जाने रहने वाली है। और इस बस में जो मुझे काफ़ी पीछे की सीट मिल गई है 29 नंबर सीट, तो सीट्स वगैरह भी आपकी फ़िक्स रहती है और फुली एयर कंडीशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी देखते हैं कैसी जर्नी रहेगी, 2 घंटे की है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 10:30 तक पहुँच जाऊँगा, 8 बजे चलेंगे, तो देखते हैं। पूरे 8 बजे बस निकल चुकी है, सब लोग ऑलमोस्ट आ ही गए, कोई लेट नहीं है, तो टाइम से बस भी निकल गई। आप थाईलैंड का यहाँ पे ट्रेन वाला सिस्टम भी देखते हैं, सामने ट्रेन ट्रैक है,
यही मोचित बस स्टेशन के पास ही कहीं पे एक ट्रेन मार्केट भी है जो रहती है, तो जब मैं थाईलैंड वापस आऊँगा बैंकॉक तो आपको वो भी दिखाऊँगा। फिलहाल तो पटाया कवर करेंगे, दो दिन है, और थाईलैंड की ट्रेन भी देख सकते हो आप, वो जा रही है सामने। तो यहाँ पे जो ट्रेन हैं ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी ट्रेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डब्बे ही है, बट ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं मल्टीपल। तो आने के बाद देखते हैं ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अगर होगा तो, अगर पटाया से बैंकॉक ट्रेन भी आती होगी तो मैं ट्राई करूँगा कि ट्रेन में ही आऊँ ताकि यहाँ की ट्रेन का एक्सपीरियंस भी कर लो, क्योंकि हमने बस वगैरह के सारे एक्सपीरियंस तो कर लिए, बस ट्रेन ही बची। भाई देख सकते हो फाइनली जो पहुंच चुके हैं पटाया, और ये अपना लगेज वगैरह भी पड़ा। भाई देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे जो पटाया का स्टेशन है, यहाँ पे उतार दिया, टाइम पूरे 10 बज रहे हैं और यहाँ पे उतार दिया। तो बस में चढ़ते ही सो गया था, इतनी खतरनाक नींद आ रही थी ना कि मैं सो गया, क्योंकि रात भर भी थके थके आए थे। तो सोते सोते कब पटाया आ गया पता भी लगा मुझे, तो मेरे साथ वाले बंदे ने उठाया कि उठ जाओ पटाया आ गया, पूरे 10 बजे यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 2 घंटे लगे, 8 बजे वहाँ से बस चली थी, पूरे 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए। अब है जो पटाया बस टर्मिनल पे हूँ, यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी से लोकल पता लगा कि जो यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है वो पास में ही है, और बाहर से टुक टुक मिल जाएगा जो आपको 10 या 20 बात में वहाँ पे छोड़ देगा। तो अभी मैंने कुछ स्टे वगैरह बुक नहीं किया था, तो मैं सोचता हूँ एक बार कि वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास जाके कोई हॉस्टल वगैरह देखता हूँ, अगर मुझे कोई बजट वगैरह में मिल जाए तो वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास ही स्टे करूँगा। अदरवाइज़ मैंने एक जो स्टे दे रखा है, सबसे सस्ता जो स्टे मिल रहा है वो मुझे जॉमटिन बीच के पास मिल रहा है, बट वो यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, और बाइक से जाने में भी वहाँ पे 80 भात लग रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ स्टे करूँगा तो आने जाने का ही उतना खर्चा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वॉकिंग स्ट्रीट चला जाता हूँ, फिर जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या मिलेगा या क्या नहीं। और ये देखते हो एयर कंडीशन बस टर्मिनल पटाया बैंकॉक, यहाँ से बाहर जा रहा हूँ अभी। तो वैसे तो मुझे वॉशरूम भी यूज़ करना है, पर कहीं पे वॉशरूम दिख नहीं रहा। तो देखो ये टुक टुक में लोग बैठ तो गए हैं, तो गाइस टुक टुक मिल चुका है 50 भात में वॉकिंग स्ट्रीट के लिए, ठीक है। जहाँ पे बस ने उतारा था उसके सामने ही शेयरिंग में खड़ा था, अपने दो इंडियन भाई लोग भी बैठे थे, तो इनसे पूछा तो ये भी वहीं जा रहे थे वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ, तो 50 भात में मिल गया। तो अभी स्टे वगैरह तो कुछ बुक है नहीं वहाँ पे, तो ऊपर वहीं पे जाके देखूंगा। अभी ऑनलाइन तो काफ़ी महंगे दिख रहे हैं, तो वॉक इन करके देखते हैं अगर कोई हमको 300 से 400 भात तक का मिल जाएगा, अदरवाइज वही जुपटिन बीच पे जाने की ऑप्शन तो है ही। फिलहाल 50 भात लग रहे हैं जिसमें मैं पहुँच जाऊँगा वॉकिंग स्ट्रीट टुक टुक से। तो भाई लगभग 15 मिनट की राइड के बाद पटाया बीच तो आ चुका है, बीच काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। तो यहाँ पे जो मौसम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा धूप है फुकेट से भी ज़्यादा, फुकेट पे तो फिर भी हल्की फुल्की बारिश का मौसम था, बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, पूरा धूप वाला मौसम है। और बीच काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, स्पीड बोट्स यहाँ पर खड़ी हैं, और एज़ कम्पेयर टू फुकेट का बीच ये बीच और बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ है। और यहाँ तो दूर दूर तक बस बसें, मतलब जैसे आप कहते ना कि मतलब कि ट्रैफिक लगा हुआ है पूरा, बोट्स ही बोट्स, स्पीड बोट्स, और सब जगह सनबेड बने हुए हैं, आप कहीं भी बैठ के चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। तो भाई ऐसे टुक टुक है जो यहाँ पे आपको छोड़ते जाएंगे बस स्टैंड से आके, तो जहाँ पे भी आपका स्टॉप हो गूगल मैप पे आप देखते जा सकते हो और बेल बजा देंगे तो वो आपको उतार देंगे। टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बजे, ठीक है, 30 मिनट का समय लगा, मतलब 20 मिनट का समय लगा, मैं आ गया यहाँ पे 50 भात दे के, अभी खड़ा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट और यहाँ पे जो पटाया बीच है बिल्कुल मेरे पीछे। यहाँ पे अभी ऑनलाइन मैंने देखा जो सबसे सस्ता हॉस्टल मुझे पता है वो जुकरोतो हॉस्टल करके, यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे, तो अभी मैं उसको ऑनलाइन बुक करके उसी पे चला जाता हूँ, और फिर देखते आगे क्या होता है वहाँ पे लोग होंगे या नहीं। प्रॉब्लम बस यही है यहाँ पे, एक तो थोड़ा ये समझ नहीं आता कि कौन सा हॉस्टल ज़्यादा शौचालय है या नहीं है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं उसको बुक करता हूँ और जाता हूँ उसकी तरफ गूगल मैप का यूज़ करके। ऐसे चलते चलते देखो आपको बर्गर किंग 24 दिखेगा, और मैप के सहारे मैं चल रहा हूँ, 300 मीटर अभी और दूर बचा है। तो यही थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अभी नए नए हैं तो स्टॉप यहाँ पे समझ नहीं आता कि कहाँ पे रुका के उतर जाएं, और 200, 400 या 500 मीटर आगे ही उतर जाते हैं, तो अब दोबारा से चल के जाना पड़ रहा है। और धूप यहाँ पे जो धूप है ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है यार, तो थोड़ा मुश्किल ही है, बट यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट दिख रहे हैं तो मज़ा आएगा। पहले जो ऑटो ने यहीं रुकाया था, ये जो बस स्टॉप है ना यहीं रुकाया था, बट मैं उतर नहीं पाया, बट ठीक है दोबारा से चल के आ गए, ज़्यादा आगे नहीं गए थे। तो मैकडोनल्ड्स है, ये मैकडोनल्ड्स के साथ में एक लेन है, यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन फूड के भी शॉप्स हैं और लोकल स्ट्रीट फूड भी है। इसी में दिखा रहा है कि 200 मीटर पे जो अंदर जाके हॉस्टल है रहने वाला है, तो मुझे लगता है सही रहेगा यहीं पे लेना, क्योंकि सबसे सस्ती ऑप्शन भी मिल रही है और काफ़ी सारे यहाँ पे दुकानें वगैरह भी है, तो मतलब स्ट्रीट फूड भी
बढ़िया बनेगा। और ये इंडियन खाना, वो इंडियन खाना भी यहाँ पे सस्ता ही है। देखो स्ट्रीट जैसी एंड हुई ना, स्ट्रीट के एंड में है यहाँ पे जुकर होटल। तो वैसे तो ये थोड़ा मतलब नॉर्मल लेवल का ही लग रहा है, बट यही है जो सबसे सस्ती ऑप्शन मुझे मिल रही है, होटल बरबुडा के सामने। और जैसी इसकी कुछ एंट्री है, देखो ऐसे यहाँ पे डॉर्मेट्री की जो फीस है वो है 300 baht, रूम आपको मिल जाएगा 500 baht में। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो है जो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जाने का इंडिया से थाईलैंड के लिए, तो मेरी ये सीरीज पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिसमें आपको मैंने एक एक डिटेल सारी बहुत ज्यादा चीजों मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है कि कैसे आप इंडिया से थाईलैंड जाएंगे, कैसे आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, फिर आपको वहां से कैसे ट्रेवल करना है, कौन से एरिया में आप होटल्स बुक कर सकते हो, अच्छे बजट होटल अच्छे एरिया में, ठीक है, खाना क्या खाना है, कैसे आप बजट में खाना खा सकते हो, कैसे आपको ट्रेवल्स करने, कैसे अपने टूर पैकेजेस बुक करने, सारी चीजें मैंने अपनी सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखी। तो इस सीरीज को बिना स्किप करें हर एक एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी इंडिया से थाईलैंड की ट्रिप में, जिसमें आप जाने वाले खुद से, ठीक है, बिना किसी पैकेज वगैरह के, और आपके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, अगर आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या दूसरा तीसरा भी है और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस, ठीक है, जिसमें जिसका चार्ज रहेगा सिर्फ 300 rupees। 300 rupees में आप मेरे साथ एक मीटिंग सेटअप कर सकते हो, जिसमें आप अपने सारे डाउट है जो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो कि थाईलैंड में रहने वाली है उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कि कैसे है जो मतलब आप जाने वाले, क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको पैकिंग करनी है, कैसे आपको फ्लाइट बुक करनी है, कैसे आपको होटल्स बुक करने हैं, कितने दिन के होटल बुक करने पड़ेंगे, कितना कैश ले जाना पड़ेगा, क्या बेटर डील्स रहेंगी, क्या क्या आपको टूर पैकेजेस वहां पे करने चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हैं, ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब है जो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस में ले सकते हो, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको इंडिया से थाईलैंड टूर के बारे में। तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना सारा टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रैवल विद बंटी, सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कॉमेंट्स कर सकते हो, कॉमेंट्स में मैं आपको, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा, जहां पे आप मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह जो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो थाईलैंड जा रहे हैं।